दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम का इलाज बेस्ट क्या है। तो पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम होता क्या है, तो वो बीमारी जिसके अंदर इंसुलिन हार्मोन हाई होता है और ब्लड शुगर नॉर्मल होता है, क्योंकि उनके शरीर के लीवर में, मसल में, बॉडी के अन्य टिश्यू में इंसुलिन कम काम करता है, जिसकी वजह से बॉडी एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाती है शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो उनका ब्लड में इंसुलिन हाई निकलेगा और उनका जो है ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। पर हाई इंसुलिन करता क्या है, हाई इंसुलिन और ऊपर स्टार्ट करो तो भूख बढ़ाता है, बॉडी को लेजी करता है, सुस्त करता है, लो फीलिंग, लो मूड, गर्दन काला करता है, लीवर को फैटी करता है, ओवरी के अंदर काम करके और तो गर्ल्स के अंदर पीरियड डिले करता है, चेहरे पे पिगमेंटेशन करता है, तो मोटापा के बहुत ही कॉमन कारण होता है। इलाज में तो मेडिसिन होती है, दूसरा होता है कि लाइट डाइट एंड लाइफस्टाइल होती है। मेडिसिन में मेटफॉर्मिन गोली आती है, मायो एनिस्टॉल गोली आती है, पाइग्लिटाजन गोली आती है, तीन मेन दवा आती है जो कि इंसुलिन का असर बढ़ा करके बॉडी में इंसुलिन रिक्वायरमेंट घटाती है, इंसुलिन घट जाता है। बट एक बच्चा 14 साल बच्चा है, कब तक दवा खाएगा, ये तो इलाज है नहीं। तो बेसिकली आखिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ क्यों, एक तो जेनेटिक टेंडेंसी है, किसी परिवार में शुगर हो, ब्लड प्रेशर, हैवी हार्ट प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल हाई हो या मोटापा हो, उनके जीन में इंसुलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, उनके लीवर टिश्यू बचपन इंसुलिन कम काम करता है, सो बॉडी एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाती है शुगर ठीक करने के लिए, हल्का रेजिस्टेंस जेनेटिक होता है, प्लस लाइफस्टाइल में अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, रोटी की गेहूं की चीज़ें, चावल की चीज़ें, आलू की चीज़ें, चीनी की चीज़ें, ज़्यादा फल या ज़्यादा दूध, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्पेशली प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट, चीनी खा लेगा, फ्रूट जूस पी लेगा, ब्रेड बिस्किट नमकीन फैन पापे रस कॉर्नफ्लेक्स पास्ता पिज्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम एनर्जी ड्रिंक ये सब लेगा तो इंसुलिन को इसे लीवर फैटी हो जाता है, तो इंसुलिन का असर और कम हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन और ज़्यादा बढ़ता है और इंसुलिन ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, ये आपकी बॉडी फैट बर्न नहीं देता है और ज़्यादा फैट बनाता है। तो ये तो मेडिसिन बता दी मैंने, मेटफॉर्मिन, पाइग्लिटाजन एंड आपका मायो एनिस्टॉल, तीन दवा होती है। बट बेस्ट होता है लाइफस्टाइल क्या होगा, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, कब तक, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस थोड़ा एक्सरसाइज, टाइम पर सोना, स्ट्रेस फ्री लाइफ, खूब सलाद, खूब हरी सब्जी खाएगा, तो बेस्ट ट्रीटमेंट है जीवन शैली। सुनो बेटा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, तो पहले तो अनाज काफ़ी कम करना पड़ेगा, दिन भर में टोटल अनाज मिलेगा उसको केवल 50 ग्राम अनाज, मैंने एक रोटी 25 ग्राम आटे सुबह, एक 25 ग्राम आटे शाम को बस, और चावल खाना तो थोड़ा चावल दोपहर, थोड़ा चावल रात को बस, दिन भर के लिए एक फल मिलेगा 150 ग्राम का, और दिन भर बच्चा चुके तो इसको आधा किलो दूध मिल सकता है, टोन या डबल टोन दूध करके, फिर पेट कैसे भरेगा, पेट भरने के लिए खूब सारा सलाद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, या तो स्मूदी बना दो, स्मूदी में थोड़ा खीरा प्याज टमाटर पालक बथुआ ये सब मिला के स्मूदी दिनों तीनों टाइम, सो स्वादिष्ट बना के, वेजिटेबल सूप बना दिया, हरी सब्जी खूब बनाई, कोई भी सब्जी, लौकी सब्जी, तोरी सब्जी, पालक पत्ते वाली सब्जी, परवल है, गोभी है, ब्रोकली है, कोई हरी सब्जियाँ, आलू छोड़ के, आलू अरबी कमल डंडी छोड़ के,
जितना मर्जी खिलाओ, और पेट भर क्या करेगी, हरी सब्जी हो गया, सलाद हो गया, इसके बाद अपना ड्राई फ्रूट थोड़ा खा लेगी, तीनों टाइम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, और हो सके और बढ़िया हो सके जब बच्ची थोड़ी ग्रोइंग, जब 15 साल की 17-18 साल में जब ग्रोथ रुक जाती बच्चों की, तब इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ली, दिन में 2 बार खाए, सुबह शाम या दोपहर शाम, कोई एक खाना छोड़ दे, जब भी खाए भरपेट खाए, या कभी ऐसा करे दिन में केवल एक बार खाए, भरपेट खाए, खूब हरी सब्जी, खूब सलाद, दाल खाए दिन में 2-3 बार, स्प्राउट खा ले। बेसिकली हमें ये सब जो प्रोसेस फूड मार्केट फूड वो मना करना है, चीनी तो छूना भी नहीं है, चीनी गुड़ बहुत खतरनाक है, गुड़ भी ठीक, ये बंद करना पड़ेगा, और दिन में 2 या 3 बार खाना है, बीच में कभी बार बार नहीं खाना है, जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी 17-18 बार, फिर दिन में 2 बार खाएगी, और डेली कम से कम आधा पौन घंटे घूमना है, ज़्यादा घूम सकते हो। तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, थोड़ा एक्सरसाइज, खूब हरी सब्जी सलाद, प्लस पेट भरने के लिए ड्राई फ्रूट खा लिया, पनीर खा लिया, इवन घी मक्खन एक चम्मच सुबह शाम चुपट दे सकते हो, उससे कोई वेट नहीं बढ़ता है, वेट बढ़ता है केवल कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, कोई रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है आपको, जितने भी महाको चाहे सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर है, राइस ब्रान है, सफोला है, ये सब अवॉइड, बल्कि क्या सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल होते हैं, इसके बाद जितने भी रिफाइंड ऑयल अवॉइड करने हैं, ऑयल कंस्यूम करें, घी मक्खन खाना है उसमें, सरसों तेल 2-3 चम्मच ले सकते हो, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये सब वेट नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब इस विचार बात करते हैं, तो बेटा क्या खाते हो सुबह से रात तक, क्या खाते हो बेटे, रिकॉर्ड भी करें पब्लिक के लिए, सुबह से रात, सुबह नाश्ता क्या करते हो? बिस्किट, बिस्किट क्यों, मैंने कोई बिस्किट नहीं देना, बिस्किट क्यों देते उसको, नहीं भाई बेस्ट हम लोग जो खाते हैं सुबह दूध के साथ ड्राई फ्रूट ले लिया तुमने, रात रोटी बना दो, एक रोटी मल्टीग्रेन की रोटी, उसको उसको दे दो, क्या नाम की खा ले दूध चाय के साथ, या आजकल एक कीटो आटा आता है, कीटो आटा आता है, उसे बादाम कोकोनट का आटा होता है, आप घर पर बना सकते हो, 250 ग्राम कोकोनट बादाम पीस लो, 250 ग्राम कोकोनट आटा मिला लो, अब चाहो थोड़ा मल्टीग्रेन आटा मिला, कोकोनट आटा बना लो, उसकी रोटी बनाओ, उसे अनाज कम हो जाता है तो वेट घटता है उससे, पैसे तो कीटो आटा अमेजोन से मिलता है, वहाँ से खरीद सकते हो। ठीक है, यहाँ गलती बिस्किट नहीं खाना, आगे फिर और क्या करते, फिर दूध में चीनी नहीं डालते हो, थोड़ी सी डालते हैं, नहीं तब छूना नहीं डालना है आपके, तो फैट नहीं बनाए आपके, 1 चम्मच 10 का चम्मच काम करेगा आपके अंदर, आगे चलो फिर क्या, इसके बाद क्या खाते हो, कोई सब्जी नहीं पसंद की है तो फिर आलू का पराठा खाएंगे, नहीं नहीं आलू नहीं, एकदम आलू नहीं खाना, नहीं जीरो है, समझो बात को, ठीक आगे चलो, उसका फिर आगे चलो, आगे चलो, और फिर उसके बाद रात को दाल रोटी खाना, तो फिर दोपहर बाद, दोपहर में बोल बेटा, बड़ा बड़ा बोल, दोपहर में वही तो मम्मी ने कहा, क्या दोपहर क्या खाते हैं, जो खाना बनता है, क्या दाल रोटी सब्जी यही सब, चावल, कितनी रोटी, 2 से ज्यादा नहीं, 2, तो अब एक साथ अगर गेहूं की रोटी मल्टीग्रेन रोटी खाएगी, अगर कीटो आटा बना दो उसके 2 खा सकती है, दाल खूब खाएगी, सलाद खूब खाएगी, हरी सब्जी खाएगी, थोड़ा दही खा सकती है, थोड़ा पनीर खा सकती है, अंडा खाते हैं आप लोग, कोई बात नहीं, जो लोग अंडा खाते, अंडा 3-4-5 दिन खाते हैं, नॉनवेज खाते हो, जो लोग खाते हो, तो आपको न्यूट्रिशन सोया बढ़िया खाओ, बेसिकली प्रोटीन फैट बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट घटाना है, और जब भी टाइम एक्सरसाइज करो, खाने के मामले तो बिल्कुल नहीं, सुनो, लेकिन वो खाना खाएगी नहीं, जहाँ कार्बोहाइड्रेट कम खाओ, सुनोगे यार, जहाँ कार्बोहाइड्रेट कम खाओ उसे इंसुलिन घटता है, अनाज खाने से इंसुलिन बढ़ता है, वो आपको लेजी करेगा, वो आपको भूख बढ़ाएगा, वो आपको सुस्त करेगा, वो बढ़ावा करेगा, जहाँ अनाज कम करो इंसुलिन घट जाएगा, इंसुलिन घटेगा तो बॉडी एनर्जी बढ़ती है, फास्ट करो तो एनर्जी बढ़ेगी, चुस्त रहेगी, बॉडी फैट बर्न करेगी, उल्टा होता है, खाने से लेजी, आप दोपहर खाना भर भर खा लो, नींद आती है, ना खाओ देखो बॉडी चुस्त रहती है, बॉडी इंसुलिन घट जाता है, बॉडी एनर्जी बर्न यूज करती है। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का बेस्ट ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल, टेम्परेरी ट्रीटमेंट मेडिसिन, तो अभी जो मेडिसिन लिख रहा हूँ तो एक्टिव हो जाए बाद इसको
बैटरी बंद करें, लाइफ स्टाइल ठीक रखेंगे हम लोग। ठीक है, कोई सवाल पूछना है आप लोगों को, कोई क्वेश्चन पूछना है? जैसे आपने कहा मीठा नहीं खाना, तो उसमें गुड़ बंद हो गया, चीनी बंद हो गया, सब बंद, सब शायद खा सकती है? नहीं, वो देखिए वो सेम बात है यार, एक ही बात है। हाँ, कम कभी कब लेना, एक सीधे बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कम लेना, मुझे शहद सिंपल शुगर होता है। नहीं, जैसे कहते हैं ना वेट लूज करने के लिए एक चम्मच, नहीं ना नहीं स्टडी नहीं निकला वो, मुझे एक चम्मच शहद कोई दिक्कत लिस्ट दी है, लेकिन हमें कम से कम लेना। और कुछ तो नहीं पूछ रहे हैं तो दोस्तों, आपको हो उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए लाइफ का क्या चेंज करें हम। अच्छा, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।